इंसेफेलाइटिस पर लगातार सवालों के घेरे में रही बिहार सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर घिर गई है। बिहार में 174 से अधिक बच्चों की मौत के मामले पर हुए मुकदमे में सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें बिहार सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था में खामी स्वीकार की है। सरकार ने माना है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग के लिए तय मानदंडों के अनुसार उपलब्ध मानव संसाधनों की कमी है। नीतीश सरकार ने अपने एफिडेविट में माना है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग में सभी स्तरों पर कम से कम 50% पद रिक्त है, डॉक्टरों की 47% कमी है, वही 71% नर्सों के पद भी खाली है। बिहार सरकार ने कोर्ट के सामने भारी अफसोस जताया कि वो इस मामले में चाहते हुए भी नवजात बच्चों को बचा नहीं पाई। सरकार ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि पूरे मामले में व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री की नज़र थी। बता दें इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा।